This is a guide from Lahore to Kashmir on bike. बस में तो गलती से बैठ गए हैं लेकिन हाल बहुत बुरा है। ये सोच के बैठे थे कि एसी वाली बस है, एसी तो सिर्फ नाम पे ऐसे लग रहा है, चिंग चिंग में बैठे हुए हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा? यहाँ पे वो पुराने से शाहरुख खान के वो पुराने से गाने चल रहे हैं, जैसे किसी की मरग हो गई है। एक तो लिया होगा आपने और गर्मी से ऐसा बुरा हाल है कि आपको बता नहीं सकते। गर्मी आज बहुत ही है, गर्मी ख़त्म करने के लिए कश्मीर जा रहे थे लेकिन देखा है यहाँ पे हालात क्या हैं, कुछ कह नहीं सकते। इतनी बकवास गाड़ी है, सफ़र करते मैं थक गई हूँ, कभी रुकती है और कभी चलती है और कभी चलती है। एक तो काफ़ी टाइम बाद बैठे हैं हम बस में और ऊपर से ये मेरे ख्याल दोपहर से बैठे हुए हम लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई बंदा बैठेगा इस तरह की टाइप की बस में और इस तरह जैसे ये चला रहे हैं। मैं तो गुजर खान से बैठा हूँ, तो गुजर खान से बैठे हूँ, गुजर खान आधा घंटा स्टे किया है, आधे घंटे का सफ़र है टोटल। बैठे हैं उनका क्या हाल हुआ? वो ये मैं आगे भी ऐसी एक दो दफ़ा सियालकोट तक गया हूँ, ये बहुत ही खजल करते हैं। गाड़ी रुकी है और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो खुदा की कसम इस बंदे ने इतना खपाया ना ड्राइवर ने कि कुछ कह नहीं सकते। इतनी गर्मी इस बंदे ने खिलाई और अल्लाह ताला ने उतनी ही आंधी अच्छी कर दी यार। वेल मौसम बहुत अच्छा हो गया, शायद नज़र आ जाए आपको। ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा पिंडी पहुँचेंगे, पिंडी पहुँचेंगे बाइक उतारेंगे अपना, बाइक उतारने के बाद जनाब हम रुकेंगे सीधा। बाहर बाहर जाकर बात लगवा पड़े में है भाई के साथ, उसको रखना वहाँ पे। तो कश्मीर के कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद का जो नज़ारा है वो आपके सामने है और लिटरली मैं स्पीचलेस। सुबह के टाइम तो काफ़ी गर्मी थी लेकिन रात को ऑसम व्यू था और उसके बाद यू नो मैच स्टार्ट हो गया। हम भी टाइम पास करने हैं, नींद नहीं आ रही। क्या करें, मैच देखी थी मैच इंडिया और बांग्लादेश का, इधर करो। ले जी मैच स्टार्ट है, ब्रेक आई थी अभी, स्टार्ट हो गया मैच। और मज़े की बात यह है कि साइलेंट मूड मैच है, कोई आवाज़ नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई ताली नहीं। देखेंगे आप, देख तो लिया होगा। और मज़े की बात एक ये भी है कि यहाँ के लोगों में डिसिप्लिन बहुत है। बेसिकली कश्मीर मुजफ्फराबाद सिटी में हम लोग बैठे हुए हैं और रात के बज गए 12:45 और मैच चल रहा है। 12:45 नहीं है सॉरी, ये तो गाना था, आई थिंक 10:45 होने वाले हैं और इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। डिसिप्लिन बहुत है इन लोगों में, तमीज़ बहुत है, अच्छे बहुत हैं, प्यारे बहुत हैं, खूबसूरत बहुत हैं। ये कुछ खूबसूरत लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई जान। ठंडा मौसम है और रात का टाइम है, कोई शोर शराबा नहीं है, कितना डिसिप्लिन है इन लोगों में। और हम तो बस पागल हो जाते हैं लोरी, ये तो वैसे आपको पता है किसके हुए। वैसे मुजफ्फराबाद लोग जस्ट स्टे करते हैं रेस्ट करने के लिए, उसके बाद निकलते हैं नीलम वेले और उस नीलम वेले में हम भी निकल पड़े। सुबह का टाइम था, सुबह सुबह का और ठंडी हवा थी और बाइक मेरे पास था, मेरा 125 बाइक था मेरा। ऑलराइट जी, नीलम में हम लोग तकरीबन मुजफ्फराबाद से निकले हैं, काफ़ी टाइम हो गया और पंचग्राम विलेज आई है, पंचग्राम विलेज के पास है और अठ मुकाम तकरीबन मेरे ख्याल से भी 3 घंटे आ गया और बाइक पे जा रहे हैं और बाइक पे हैं, बाइक पे जा रहे हैं और बाइक का प्राइस रह गया यार। ऑलराइट
जी ये बाइक है हमारी, साजो सामान हमने इतना कुछ खास नहीं पकड़ा है, दो हेलमेट हैं, सिर्फ एक जैकेट है, कोई ट्यूब नहीं है, कोई टायर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक हमारा फिट था, लाहौर से यहाँ लेकर आए हैं और आपके सामने ही है। इसके अलावा और मज़ेदार मौसम है आज, मौसम बहुत फिट है और शुक्र अल्लाह का कि आज मौसम मतलब मज़े का, इतनी गर्मी नहीं है, मुजफ्फरबाद में थोड़ी सी गर्मी थी, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, मेरा तो दिल कर रहा है नहा लूँ लेकिन यार पानी बहुत ठंडा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिफ़त हसन है और मैं पंजग्रास हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम यामीन है, मैं पंजग्रास हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूर है, मैं पंजग्रास हूँ। पानी कितना ठंडा है? बहुत ठंडा है। नहा लेते हो जी? सारे नहा लेते हो जी? वाह यार ये बड़ी मजे की बात है, आज नहा के दिखाओ आज। भाई हिम्मत है बच्चे की, मान गए हैं, और हम जैसे जो लाहौरिये हैं वो तो भाई इतने ठंडे पानी में नहीं नहा सकते। आठ मुकाम की तरफ रास्ते में बड़ी मज़ेदार जगह आनी है, बस बारिश ना हो, और अगर बारिश हो गई तो हमारे पास तो जैकेट सिर्फ एक है, तो इस तरह करेंगे एक बाजू मैं पहनूंगा और एक फाहद पहनूंगा, ठीक है? मिलते हैं थोड़ा सा आगे जाके। दना वाटरफॉल पहुंचने के बाद जनाब मौसम ने कुछ बेईमानी कर दी थी और बारिश स्टार्ट हो गई थी। ओके, नौशहरी से 5 किलोमीटर थोड़ा सा पीछे हैं अभी, 5 ग्राम से निकले हैं, और नुसैरी और 5 ग्राम के दरमियान में एक वाटरफॉल है ये, और मौसम ने बेईमानी कर दिया यार, और मौसम ने बेईमानी कर दी और हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है, सिर्फ एक जैकेट है, तो देखते हैं फिर क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं होटल में रुकना पड़ेगा। आपके क्या दफात? रुकना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी है। ये चीटिंग है यार, मौसम मुजफ्फराबाद में गर्मी थी और यहाँ पर बारिश हो गई है। तो भाई इतनी दूर आए हैं तो पकोड़े खाने तो बनते हैं, और वैसे भी पकोड़े इसके बहुत ही टेस्टी थे, अब दोबारा चक्कर लगेगा तो भाई मैं पैक करवा के साथ ज़रूर लेकर आऊँगा। ऑलराइट जी, पकोड़े खाए थे जैसा कि अभी दिखाया था कि पकोड़े बहुत मज़े के थे, और ये भाई साहब हैं, इनकी शॉप है पकोड़ों की, बड़े बहुत टेस्टी हैं आगे, और ये चले आना LOC क्रॉसिंग पॉइंट कहते हैं ना इसको, मतलब क्रॉसिंग पॉइंट है, सामने मकबूजा कश्मीर है और यहाँ पे हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कश्मीर में, और इन भाई से पकोड़े खाए थे, पकोड़े लिटरली बहुत टेस्टी हैं। वैसे भी इस मौसम में पकोड़े खाने का भी दिल करता है, हमें तो हम सालों साल नहीं खाते, देखते रखती हैं, टेस्टी हैं, ट्राई करना कभी कभी भी आपका चक्कर लगे यहाँ पे, और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? मसाला बहुत टेस्टी है, खट्टा खट्टा सा मसाला, चूरन है, दिल कर रहा है जी हमें डालने रस्ते में खाते नहीं। ये भाई भी आपके भाई हैं ये? ये भाई है। आप तो कुछ बोलो ना यार, बोलो तो शेर सुना दो हिंदो में यार, आती है हिंदो असली नीलम है ही बहुत प्यारी, जिसको देखने वास्ते बड़े दूर दूर तो दुनिया आ रही है, इसकी खूबसूरती इसी चीज़ तो पता चल रही है कि कितनी खूबसूरत है, लोग रत्ती गली अड़ंगेल, और ख़ास कर असा जोड़ा पॉइंट है चलियाना क्रॉसिंग पॉइंट, जिसको लोग बड़े शौक नाल दिखते हैं। ओके गुड हो गया, ये भजन हिंदो थी, अच्छी है और मुश्किल भी है, मुझे तो नहीं आती, सीखूंगा जरूर। पहला एरिया जहाँ पे हमें कोक मिली है कोको कोला, मतलब मुजफ्फराबाद से लेकर इधर नौशहरी तक कोक नहीं मिली, पेप्सी मिली। बस थोड़ा सा ही फर्क है, जहाँ पे हम खड़े हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर है और सामने जो है वो मकबूजा कश्मीर है। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये सारे हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, चिलियाना क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और सामने बिल्कुल करीब है, मतलब इतना करीब हो के भी हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, और सिर्फ एक दरिया का फासला है।
अठ मुकाम पहुँच गए हैं। अठ मुकाम से मार्केट है, मार्केट से थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड पर रहता है कुटन विलेज, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था कि लाहौर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, ठीक है, और जिनकी डेथ हुई थी ये बुलेट होता था। अभी इस टाइम यहाँ पे और लिटरली बड़ी ठंड है। अभी ये है कि वापस निकलने के वापस मुजफ्फराबाद जाएंगे और वहाँ स्टे करना है हमने अपने होटल में। तो बहुत फिट जगह है यार। Feel there's something that is stopping me now, oh. And I try to forget all what I had, but is my mind really gonna cut you out? Assalamu alaikum. Mera naam hai Raja Nader Khan. ये इस जगह का नाम है अलजन्नत कश्मीर आबशार छतर क्लास। ये पिकनिक पॉइंट जो हमने इसको तैयार किया है, ये मुजफ्फराबाद से 15-20 मिनट का सफ़र है और मरी से तकरीबन 1.25 घंटे का ये सफ़र है। इसलिए जो लिफ्ट हमने लगाई है बड़ी मफीद लिफ्ट है, इसके ज़रिए ये लोग आते हैं और यहाँ इंजॉय करते हैं। बहुत खुला सी ये पॉइंट है। वेल, ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा मौसम लगी है और ये जो अक्सर आ रही है ये बेसिकली ना आर्टिफिशियल बनाई हुई है, ठीक है। मज़ा आएगा जब भी आप यहाँ पे आए ना, तो आने के बाद वहाँ से लिफ्ट आती है, लिफ्ट के थ्रू आप इधर आते, ठीक है। जाहिर सी बात है, देख तो आपने लिया होगा, ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मज़े की चीज़ है। मेरा ओपिनियन ये है आप लोगों से कि आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मज़े की बात है, बच्चियाँ बहुत थी यहाँ पर, ये वाला सीन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मेरी अगर बंदी ने देख लिया तो वो मुझे बस खत्म कर देगी। I feel like no prayers are gonna help myself. No. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. Oh.